एसिड्स ठीक है। हाँ तो हेडिंग डालिए ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, देखो ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर में अगर पेरेंट एक एसिड की बात की जाए सो दैट इज योर H2SO4 बिकॉज सल्फर इज प्रेजेंट इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, जिसका हम लोग नाम रखते हैं क्या क्या बोलोगे पेरेंट एक एसिड को, सल्फ्यूरिक एसिड होगा इसका नाम। यस बोलो, यहां पे ये तुम्हारा X हो जाएगा, H2SO3 में इसका क्या हो जाएगा प्लस 4, दिस इज X माइनस 2, सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड, बोलो बेटा। यस सर। टेल मी वन थिंग, मुझे एक बात बताइए आप लोग, क्या मैं इस सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 को क्या मैं ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड कह सकता हूं क्या? कैन आई से दिस सल्फ्यूरिक एसिड टू बी ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड? जरा इसका मेटाफॉर्म बना के देखिए बनेगा क्या। मेटाफॉर्म बनाने के लिए क्या करना है, पेरेंटिक एसिड में से पानी का मॉलिक्यूल हटा दो, देर इज नो मेटाफॉर्म पॉसिबल, नहीं बन कोई ऑक्सो एसिड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन ही नहीं है, सो दिस इज नॉट एन ऑक्सो एसिड, SO3 एक ऑक्सो एसिड नहीं है, नो मेटाफॉर्म पॉसिबल, यही बात बोली थी कल हाँ या ना। यस सर। सो कैन यू कॉल दिस ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड, नहीं बोल सकते, द ऑर्थो फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट पॉसिबल, यहां पर लिख लो सल्फर का मेटाफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, दैट इज व्हाई यू कैन नॉट कॉल सल्फ्यूरिक एसिड टू बी ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड, तो दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत। आगे चलता हूं मैं, उसके बाद आता है मेरे पास H2S2O5, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर सबको मालूम है, बना लोगे स्ट्रक्चर या बनाऊं? बना दो। दिस इज H2SO4, इसके बाद आता है तुम्हारा H2S2O5, जरा बताइए मुझे H2S2O5 में क्या होगा, यहां पर तुम्हारा H2SO3 में सल्फर के पास एक लोन पेयर पड़ा रहता है, H2S2O5 इतना इंपॉर्टेंट एसिड है जितना तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है, H2S2O5 का एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, OH, S double bond O, S double bond O, इधर lone pair रहता है OH,
इस स्ट्रक्चर को दिमाग में बिठा लो. दिस इज अ मोर स्टेबल स्ट्रक्चर. एक और स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि वो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है, बट दैट इज लेस स्टेबल विद द परोक्साइड लिंक विद SOS बॉन्ड. ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि ये लेस स्टेबल होता है. कंपाउंड यही है, दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला. नीचे वाला लेस स्टेबल होता है, ऊपर वाला मोर स्टेबल होता है. ओके यस. नाम वगैरह तुम लोग सब लिख ही सकते हो इनके. अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है H1 की और नाम लिखते चल रहे H2S2O7. इसको तो हमने बताया ही था यार, ये क्या होता है. OH S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH. इसके बाद आ जाओ H2S2O6. OH S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O S. H2SO5. नोट कर रहे हो साथ साथ? यस सर. H2SO3. H2S2O3. इसको अपन बोलते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड. ये काफी इंपॉर्टेंट है ये एसिड भी. थायोसल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. इसको थायो क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें S bond, S double bond, S present होता है. H2S2O3. Yes. ये वाला सल्फर इसमें +6 में होता है, ये वाला सल्फर इसमें -2 में होता है. We have already discussed this thing. क्योंकि ये +6 वाला जो रहेगा ना, ये sp3 में रहता है और ये -2 वाला जो होता है ये sp2 वाला सल्फर होता है. इसीलिए इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में काफी डिफरेंस आ जाता है. नेक्स्ट वी हैव थायोनिक एसिड सीरीज. थायोनिक एसिड सीरीज, थायोनिक एसिड सीरीज तुमको कुछ ऐसा दिखेगा. ये तुम्हारा थायोनिक एसिड सीरीज होगा. यहां पर n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू कुछ भी हो सकता है. यू कैन सी दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन इज सेम. बीच में सल्फर का नंबर्स बढ़ता जाएगा, बस बीच में जो है सल्फर का नंबर आपका इंक्रीज होता जाएगा. बीच में आप लोग सल्फर का नंबर बढ़ाते चलिए और ये पूरा जो सीरीज है ये एक्सटेंड होता चलेगा. ठीक है, नाम कैसे रखेंगे? अगर बीच में दो सल्फर है डाइथायोनिक एसिड, बीच में तीन सल्फर है ट्राइथायोनिक एसिड,
चार सल्फर हैं, टेट्राथायोनिक एसिड, पेंटाथायोनिक एसिड, हेक्साथायोनिक एसिड, हेप्टाथायोनिक एसिड, इस तरह से हम लोग इनके नाम रखते चल सकते हैं। ठीक है, यस सर। देखो, वेट अ मिनट, यस देखो, इसका अगर यहां पे बीच में एक सल्फर रहता है, इफ द एन का वैल्यू इज जीरो, अगर एन का वैल्यू जीरो रहता है तो एसिड को बोलेंगे डायथायोनिक एसिड, अगर वन रहेगा तो एसिड का नाम होगा ट्राइथायोनिक। क्यों रहेगा? क्योंकि यहां पे डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा ये सभी वर्ड टोटल नंबर ऑफ सल्फर्स के लिए यूज करेंगे। किसके लिए यूज करेंगे? टोटल नंबर ऑफ सल्फर्स। ठीक है, अगर यहां पर मैं बोल रहा हूं टेट्राथायोनिक एसिड, लेट से आई हैव टेट्राथायोनिक एसिड, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? टोटल सीरीज में चार सल्फर होने चाहिए, जिसपे कॉर्नर वाले दो सल्फर पे अपन डबल बॉन्ड OH ये सब बना देंगे और बीच में दो सल्फर रहेंगे। समझ गए बात को? यस सर। कॉपी कर लो। चले आगे। यस सर। यस सर। नेक्स्ट वी हैव थायोनस एसिड। थायोनस, THIONOUS, थायोनस एसिड सीरीज। अब ये थायोनस एसिड सीरीज क्या होता है यार? कुछ नहीं है, थायोनिक की तरह थायोनस हो जाएगा। थायोनिक में यहां पे थायोनस में तुम्हारा एक लोन पेयर आ जाएगा बेचारा, सारा सीन वही रहेगा। यहां पर भी वही सब बातें रहेंगी, टोटल सल्फर्स काउंट होंगे, उसी के हिसाब से नाम रखा जाएगा। ओके, तो ये काम आप लोग आराम से इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत है भाई? फटाफट चिपकाओ और उसके बाद लिखो ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड्स क्या हैं अभी वो सभी आपको लिखो। सो नाइट्रोजन में HNO3 होता है जो पेरेंट एक एसिड होता है, जिसमें ये प्लस फाइव में होता है। ऑब्वियसली अब इसको आप नाम क्या देंगे? नाइट्रिक एसिड। अब तुम ये भी सोच रहे होगे सर सब में ये एक एसिड बना कैसे? देखो एक छोटा सा, बहुत छोटा सा चीज है, अगर किसी भी एसिड का जो एनायन है, अगर किसी एसिड का एनायन एट वर्ड से है, ठीक है, तो वो जब एसिड बनेगा तो वो चेंज होता है एक एसिड में। अगर किसी एनायन का एंडिंग आइट है तो वो चेंज होता है OUS एसिड में। ठीक है, जैसे फॉस्फेट था H3PO4 में PO4 3- एनायन है, इसको अपन बोलते हैं फॉस्फेट। तो इस फॉस्फेट से बनने वाला एसिड क्या कहलाएगा? फॉस्फोरिक फॉस्फोरिक है ना। तो कोई अब जैसे यहां पर NO3- है बेटा,
NO3 माइनस होता है नाइट्रेट, इसीलिए मैंने पेरेंट पेरेंट एसिड का नाम क्या रखा, नाइट्रिक एसिड। समझ गए बात? यस यस यस। तो ये पूरी कहानी थी 8 से पेरेंटिक एसिड का नाम कैसे रखते थे। ठीक है, पेरेंटिक का नाम आ गया, उसके बाद तो बाकी सब अपन रख ही लेंगे। HNO2, अब यहां पे NO2 माइनस को क्या बोलते हैं, नाइट्राइट। तो HNO2 किस में चेंज होगा, नाइट्रस। नाइट्रस HNO2 इज कॉल्ड एज नाइट्रस एसिड। अगर स्ट्रक्चर देखोगे, नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर देखोगे तो नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बहुत इजी सा होता है, एन डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एच HNO2 का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये भी काफी सिंपल होता है। This is HNO2. ठीक है, नाउ टेल मी, क्या कोई ऑर्थो फॉर्म पॉसिबल होगा इसका? नहीं होगा सर। नो सर। दोनों का भी, क्या दोनों का ही पॉसिबल नहीं है? ऑर्थो नाइट्रिक एसिड बोलने के लिए मेटाफॉर्म एग्जिस्ट करना चाहिए, और कमाल की बात यह दोनों का ही मेटाफॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यस तो अगर मेटाफॉर्म ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो अपन इसको ऑर्थो नाइट्रिक एसिड नहीं बोल सकते यार, समझे बात? नेक्स्ट आता है HNO4। Structure is something like this. एक peroxy linkage आ जाती है। पर नाइट्रिक एसिड नाम हो जाएगा इसका। पेरेंट एसिड, पेरेंट एक एसिड में एक ऑक्सीजन एड हो गया, तो दिस विल बी पर नाइट्रिक एसिड। Also, pyro form भी possible नहीं है, pyro form of parentic acid या parentous acid, दोनों का ही pyro form possible नहीं है। pyro form बनाने के लिए क्या करना होता है, 2 moles of parent acid का और उसमें से पानी का molecule minus कर दो, तो अगर 2 mole of HNO3 लोगे, ठीक है, और उसमें से एक पानी माइनस करोगे, यू विल एंड अप विद N2O5, विच इज अगेन नॉट एन एसिड, इट्स एन ऑक्साइड। इफ यू विल टेक 2 moles ऑफ HNO2 एंड यू विल सब्ट्रैक्ट 1 molecule ऑफ पानी, यू विल एंड अप गेटिंग N2O3, विच इज अगेन नॉट एन एसिड बट एन ऑक्साइड, राइट? सो पायरो फॉर्म ऑफ बोथ द एसिड्स आर ऑल्सो नॉट पॉसिबल। बोलिए। Yes, sir. चिपकाओ फटाफट। तुम लोगों को मैंने कल ग्रुप्स में ऐड कर दिया है, ग्रुप्स भेज भी दिए हैं सबको, और कुछ लिंक्स भी शेयर किए थे कल। तो कुछ प्रैक्टिस किया किसी ने, थोड़ा बहुत किया हो प्रैक्टिस? यस सर। यस सर। यस सर। गुड, प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ऑक्सो एसिड्स के ऊपर एज सच कहीं पे सिर्फ इसके क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, हमारे पास, हमने भी कोई असाइनमेंट तैयार नहीं किया,
तो मैं इसका असाइनमेंट एक दो दिन में तैयार करूंगा खुद टाइप करके, तब आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अदरवाइज तब तक वो जो लिंक्स हैं आप लोग उन पे प्रैक्टिस करो, जितना क्लास में हुआ है उसी के ऊपर बेस्ड। मैंने अभी एसिडिटी के ऑर्डर लगाना नहीं सिखाया है ऑक्सो एसिड्स के, तो वैसे क्वेश्चन आए तो छोड़ देना, ठीक है। जितना मैंने नेमिंग करवाया है, स्ट्रक्चर्स करवाए हैं, इन सभी के ऊपर क्वेश्चन हो तो वही करना, बाकी छोड़ देना बेशक, कोई चक्कर नहीं, ठीक है ना। ओके सर, ओके सर। चलिए आगे चलते हैं। एक और एसिड है नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड, जिसको हम जानते हैं HNO के नाम से। इसको बोला जाता है हाइपोनाइट्रस एसिड। ठीक है, कमाल की बात यह है, इस नाइट्रस एसिड की दो फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, सिन एंटी। सिन वो होती है जिसमें OH ग्रुप्स सेम साइड पे होंगे, एंटी वो होगा जिसमें OH ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे होंगे। प्लीज बार बार बोलता हूं, मैं अपने नोट्स अपने बैच से बाहर शेयर नहीं करने हैं। और एक और चीज, तुम लोग ग्रुप्स में हो तो अगर कल को मुझे पता चला कोई डायरेक्टली किसी को मैसेज करता है ग्रुप्स में, तो उसको मैं तुरंत कोचिंग से निकाल दूंगा, वो चाहे फिर कोई लड़का मिले या लड़की मिले। अगर मुझे कल को किसी के बारे में भी ये पता चला कि इस लड़के ने उसको मैसेज किया है, पढ़ाई के रिगार्डिंग भी नहीं करोगे एक दूसरे को मैसेज, टॉक टू मी डायरेक्टली। समझ में आ गई बात, टॉक टू योर टीचर्स डायरेक्टली। क्योंकि बाद में फिर पेरेंट्स बोलते हैं सर फलाने का मैसेज आ गया था, उसने हमारे बच्चे को मैसेज कर दिया, ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी। डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन, वी विल नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ इनडिसिप्लिन इन द एकेडमी, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, तुरंत मैं निकाल दूंगा उस बच्चे को। अब देखो, ये जो HNO होता है हाइपोनाइट्रस एसिड, इसके बारे में कमाल की बात क्या है, दिस एग्जिस्ट्स एज अ डायमर। अब डायमर ट्राइमर ये सब तो समझ गए होंगे, मर का मतलब होता है यूनिट, मर का मतलब होता है यूनिट, डाई का मतलब हो गया दो यूनिट, डाई प्लस मर क्या बन गया, दो यूनिट। तो ये जो अगर HNO डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स ये दो यूनिट्स इसकी एक साथ एग्जिस्ट करेंगी। अरे बात समझ रहे बच्चों? यस तो सिन फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, N डबल बॉन्ड N, इधर OH ग्रुप रहेगा, इधर OH ग्रुप रहेगा, इधर लोन पेयर चमक रहे होंगे, इधर लोन पेयर चमक रहे होंगे। तो इसका अपन नाम भी क्या रख सकते हैं, सिन डैश हाइपो नाइट्रस एसिड। अगर एंटी की बात करेंगे तो दिस विल बी लाइक दिस, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस एसिड हियर, दिस विल बी एंटी हाइपो नाइट्रस एसिड। क्लियर है सबको बात? यस सर। फटाफट चिपकाओ, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, बचा अब हमारा क्लोरीन। लिख लिया, लिख लिया, वेरी गुड। चलते हैं फाइनली ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन।
एक बात मैंने कल ही बताई थी आप लोगों को कि इनके नाम में पर आएगा, लेकिन इनके स्ट्रक्चर में पर क्या होगा? स्ट्रक्चर में पर आएगा क्या? नहीं आएगा. स्ट्रक्चर में पर का मतलब क्या होता है? नो पीएल. नो पीएल क्या बोलोगे? परोक्सी लिंकेज. यस, नो परोक्सी लिंकेजेस विल बी देयर. इनका नेमिंग भी मैंने बोला था, ये सेकंड नेमिंग शुरू हो गया हमारा. ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन्स ऑफ क्लोरीन के लिए मैंने बोला था, इनका नेमिंग भी अलग से होता है. तो इनका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसके लिए यूज होता है पर हैलिक एसिड. ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके लिए एप्लीकेबल है. बट नोट करने की बात क्या है, फ्लोरीन सिर्फ एक ही एसिड बनाता है FOH नाम से. ठीक है, फ्लोरीन सिर्फ यही एसिड बनाता है और ये भी थर्मली क्या होता है? अनस्टेबल होता है. ये भी क्या होता है? थर्मली अनस्टेबल होता है. थोड़ा सा हीट मिलेगा टूट जाएगा. बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे एसिड्स बनाएंगे, फ्लोरीन सिर्फ एक यही बनाता है. ऑक्सी एसिड्स, एसिड्स नहीं ऑक्सी एसिड्स. और अगर आपको मिल जाए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2, इन दिस केस दिस विल बी नेम्ड एज हैलिक एसिड. इफ यू गेट मैक्सिमम -4, यू विल नेम इट एज हैलस एसिड. If you will get maximum -6, you will name it as hypohalous acid. ठीक है, नोट करो. नोट किया? यस. अब देखो बेटा, यहीं पे मैं बात कर लेता हूं. क्लोरीन का एसिड है HClO4, HClO3, HClO2, HClO. फटाफट मुझे सब में ऑक्सीडेशन नंबर्स बताइए क्लोरीन के. +7, +5, +3, +1. Yes, sir. So how will you name these acids? This will be इसका नाम क्या होगा? पर क्लोरिक एसिड. Yes, sir. Yes, sir. हैलिक का मतलब हर किसमें हैलिक नहीं, हैलिक इज जनरल टर्म. हैल इज जनरल टर्म फॉर हैलोजन्स. ठीक है, HClO3 +5 है, इधर नाम आ जाएगा क्लोरिक एसिड. क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड. HClO2 क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड. HClO हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड. समझ गए बात को? यस यस. अब इनके स्ट्रक्चर्स आप लोग होमवर्क में बनाएंगे, मुझे सेंड करने की जरूरत नहीं है. आप लोग अपने अपने नोटबुक में बना लो स्ट्रक्चर्स, चारों एसिड के स्ट्रक्चर्स बना लो. वैसे एक फोटो ही भेजनी है, ज्यादा कुछ नहीं भेजना, भेज देना मुझे, देख लूंगा मैं किस किस ने बनाया. होमवर्क है तुम्हारा इन चारों एसिड के स्ट्रक्चर्स बनाने हैं प्रॉपर. ओके ओके सर. ओके सर. क्वेश्चन, ऑक्सो एसिड्स खत्म हो गए हमारे? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड
does not contain peroxy linkages. Option Marshall's acid. क्वेश्चन जे में ऐसे ही आते हैं, देखो यहां पे इसने स्ट्रक्चर वगैरह या कॉमन नेम, वो जो केमिकल आयुपैक नेम थे वो भी नहीं लिखे, मार्शल एसिड कैरोज एसिड लिख दिया। अब जिसको पता ही नहीं होगा सी, कौन सा ऑप्शन होगा सही? सी डी ऑप्शन, डी सर। सी ऑप्शन आ रहा है और डी ऑप्शन आ रहा है। मार्शल्स एसिड क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मार्शल्स एसिड? दो बार तीन बार बता चुका हूं मैं दोनों, मार्शल्स भी और कैरोज भी। H2H2O10 पक्का? यस सर, मार्शल्स का यही है। और कैरोज सर उसका H2SO5। यस, दोनों में परोक्ष लिंकेजेस हैं। HCl में है क्या? HCl में परोक्ष लिंकेज है क्या बच्चों? अरे बोलो यार। नो सर, नहीं है सर। अरे भाई HCl तो ऑक्सो एसिड ही नहीं है, तुम परोक्सी लिंकेज की बात कर रहे हो, ये तो ऑक्सो एसिड ही नहीं है, सिर्फ HCl है। ऑक्सीजन कहां है इसमें? ऑक्सो एसिड है क्या? नो सर। भले ही इसमें परोक्ष लिंकेज ना हो बट इसमें तो ऑक्सीजन ही नहीं है, सी पे जो लगाएगा वो मार खाएगा। ऑक्सो एसिड पूछा उसने, एसिड नहीं पूछा, फंस गए ना सी वालों, ये तो कंसिडर ही नहीं होगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऐसे ही फंसाएगा तुमको जेई में और तुम फंस जाओगे। पर आयोडिक एसिड फॉर्मूला क्या होगा? HIO4। बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस होमवर्क सुन लो, स्ट्रक्चर्स बनाने हैं इन सभी एसिड्स के, क्लोरीन वाले, क्लोरीन के, ब्रोमीन के, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तीनों के ऑक्सो एसिड्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे आप लोग, होमवर्क है। प्लस जो वो लिंक सेंड किए थे आज और क्वेश्चंस वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए, दिस इज योर होमवर्क। आज के लिए इतना ही काफी है क्योंकि अगर अभी नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे नहीं हो पाएगा। कल की क्लास में मैं इक्विवेलेंट वेट शुरू करूंगा, कल की क्लास में हम लोग इक्विवेलेंट वेट से शुरुआत करेंगे, पहले आधा घंटा हाफ एन आवर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हाफ एन आवर में वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक्स ऑफ टाइट्रेशन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलिए जाओ एंजॉय करो आज।